ज्ञान वापी पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर तपस्वी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, आज बेहद खुशी का दिन है, राम मंदिर के बाद हमें एक और खुशी मिली है। आज बहुत खुशी का दिन है, आज जो है राम मंदिर के बाद फिर दूसरी खुशी मिली है। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञान वापी परिसर की सील वजू खाने को छोड़ करके संपूर्ण परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट को आज सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई इसके पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। 17वीं शताब्दी के 1669 में 2 सितंबर को वहां आदि विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ करके और वहां ज्ञान वापी नाम की मस्जिद बनाई गई है। इसके पुख्ता सबूत एएसआई सर्वे में साबित हो गया है, मिल चुका है। यह सभी सनातनियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए, सभी मानवतावादियों के लिए बहुत खुशी है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, सुनने के बाद हमने जो है मुझे ऐसा लगा कि जैसे राम मंदिर की खुशी मिली उसी तरह से ये डबल खुशी हो गई। और निश्चित रूप से अब बहुत जल्दी वहां आदि विश्वेश्वर भगवान का भी सुप्रीम कोर्ट से सर्वे का आर्डर आएगा और वहां भी एएसआई सर्वे होगा और इसके बाद बहुत जल्दी वहां से विवाद खत्म होकर के और आदि विश्वेश्वर का अर्चन पूजन शुरू हो जाएगा। अब जो है तो वो दिन दूर नहीं है कि अयोध्या की तरह वाराणसी का भी विवाद समाप्त होने जा रहा है। यह बहुत खुशी की बात है और मैं ये अपील भी करूंगा कि जो न्यायपालिका से यह एएसआई सर्वे पर जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, इस पर दोनों पक्ष के लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हुए और इसी पर आगे बढ़ जाए। बहुत आगे इसमें अड़ंगा लगाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पक्ष को भी अब चाहिए कि जब एएसआई सर्वे ने साफ कर दिया है कि वहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, तो आगे अब इसमें टांग अड़ाने के लिए प्रयास न करें, जिससे कम से कम ये तो लगे कि आक्रांताओं के द्वारा भारत में जो सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया है, जब उसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं, तो कम से कम दोनों पक्षों को न्यायपालिका का सम्मान करते हुए और जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। जय श्री राम, जय बाबा विश्वनाथ। हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहो S9 न्यूज साथे।